A few moments later. देखी मोटा प्लेटिना की पावर थोड़ी तिरछी करो चलाओ पंप पे पहुंच जाता आराम से कोई दिक्कत नहीं आती प्लेटिना को भरे कर दो पता आ जाओगे काम करो आप क्यों भाई रोड का काम हो जाए रोड का पेट्रोल भरना 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 धक्का लगा देगा भूख मारे चलते फिरते क्या करते अरे कहना क्या चाहते हो तो क्या करे भाई गरीब यूट्यूबर है यार ऐसे काम चलाना पड़ता है हमें तो यार ये तो आईडिया भैया क्या आईडिया लो कर लो बात अबे मेरे दादा अपने पास अगर पैसे होते तो अपने से पेट्रोल बना लेते इलेक्ट्रिक मोटर के भी पैसे लगते मोटे बातों से नहीं बन जाती बात तो सही है क्या है यार मैंने सोचा कोई बढ़िया टेक्निक बताएगा कि भाई पानी से भी मोटरसाइकिल चल सकती है और पूरा बात खराब कर दिया और मोटे भाई आइडिया भाई लोगो आज की चैलेंज में यार हम यही करने वाले अपने इस बाइक को चलाने वाले या तो ग्राइंडर से या फिर ड्रिल मशीन से तो फटाफट से चलते हैं वर्कशॉप पे और फिर समझाते हैं आपको आज का कार्यक्रम हाँ तो यार भाई लोग आज अपने 75 डेज ड्रिल एक्सपीरियंस चैलेंज का 61वां दिन हो रात के इस चैलेंज के अंदर हम यार अपनी बाइक को चलाने वाले हैं या तो ड्रिल मशीन से या फिर ग्राइंडर से तो नॉर्मली अपनी गाड़ी किससे चलती है भाई पेट्रोल इंजन से जिसके अंदर इंजन लगा हुआ होता है और वो पावर जनरेट करके व्हील को पावर ट्रांसफर करता है और फिर व्हील घूमता है और अपनी बाइक सिंपली चलती है और ज़्यादा से ज़्यादा बाइक किससे चलती है भाई इलेक्ट्रिक बाइक जिसके अंदर यार एक पावरफुल मोटर लगती है जो कि यार काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है तो यार इतना बजट अपने पास है नहीं और हमें चैलेंज भी मिला था कि भैया जी आप जो है यार किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से अपनी बाइक को चला के दिखाओ तो नॉर्मली क्या होता है कि यार जब हम ग्राइंडर को चलाते हैं तो इसके आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट इतने फास्ट होते हैं कि एकदम से ये फुल पावर के अंदर आ जाता है तो यार इससे तो पॉसिबल नहीं होगा अपनी इस बाइक को चलाना तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं भाई अपनी इस ड्रिल मशीन से ही इस बाइक को चलाने वाले जो कि यार लोड के ऊपर घूम जाती है जैसे जैसे हम इसका ट्रिगर पुश करते हैं वैसे वैसे ये स्लोली स्लोली घूमती है तो यार हम इसी का यूज लेने वाले हैं और इस बाइक को चलाने वाले तो यार ऐसे तो अपन इस बाइक को चलाएंगे तो इसका वजन जो है काफी ज्यादा है यानी कि यार इसके अंदर इंजन है इसकी टंकी है इसके मार्क्स है इसकी सीट हुई पीछे मतलब कि ये सारे पैनल हुए साइलेंसर वगैरह हुए इंजन हुआ इन सब का वजन काफी ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो भाई लोगों बिना किसी देरी के हम करने वाले अपनी इस बाइक का चीरहरण यानी कि इसके सारे के सारे पार्ट्स खोलने वाले तो नाउ एक दो भाई लोगों हमने अपनी पूरी गाड़ी के जो है पार्ट्स खोल लिए हैं। इसमें यार भाई साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूंगा ये अपनी एक अलग बाइक है जिसके ऑलरेडी यार सारे पार्ट्स खुले हुए थे बस इसके टायर वगैरह अटैच किए हैंडल वगैरह सब खुले हुए थे तो उसके अंदर इतना टाइम लग गया। अब जो है यार हम क्या करते हैं इसके पिछले व्हील के अंदर पावर का जुगाड़ करते हैं। हाँ तो यार भाई लोगों मैंने चप्पड़ 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 करके तो आपको समझा दिया कि भाई हम ग्राइंडर क्यों नहीं यूज में ले रहे ड्रिल मशीन क्यों यूज में ले रहे हैं तो भाई इसका रीजन प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको देखना इसकी स्पीड देखना एक बार तो भाई साहब जस्ट खटके पे हाथ रखते हैं यानी कि ट्रिगर दबाते ये तो यार बाबरा भूत हो जाता है यानी कि फुल स्पीड पकड़ लेता और ये है अपनी ड्रिल मशीन जो कि यार अपन इसको धीरे 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 इस वजह से इसको यूज में ले रहे क्योंकि इसको यार बाइक को मौसम भी बनाना पड़ता है तो आराम से ये धीरे धीरे घूम के उसको लोड पे लेके आ जाएगी और फिर यार रोलिंग पकड़ा देगी।
हमारा गुने भाग तो यार हमने लगा लिया, बट आई डोंट नो यार कि ये वर्क करेगी या फिर नहीं। हम ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों की डिमांड के ऊपर फेल भी हो सकते हैं और सक्सेस भी हो सकते हैं, इसका धमेड़ा भी बोल सकता है और खर्चा भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। रुको 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 रुको। तो यार भाई लोगों, कल मोटे का मन हो रहा था डांस दिखाने का और आज मेरा मन हो रहा है मोटे से डांस करवाने का। बीड़ू, तेरे डांस से अपनी पब्लिक जो है बिल्कुल बोर हो चुकी है, तो कुछ क्यों ना नया हो जाए। लेट्स गो। सोच लिया? बता भाई। हम ये कह सकते हैं कि अपनी इस फटफटी का इंजन तैयार हो चुका है। हमने इसके आगे ये वेल्ड कर दिया जुगाड़ और चेन इस पे चढ़ा दिए। अब सिंपली चेन को चढ़ाना यार बाइक पे लगे हुए इस पॉकेट के ऊपर और फिर अरे सॉरी गाइस चुकल गया। फिर जो है यार अपनी गाड़ी रेडी टू गो है, जाने के लिए तैयार है और ज़्यादा तेज घुमाते ही चेन उतर भी रही है भाई। ला जा मोटर फटाफट करते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. तो यार भाई लोगों, फाइनली घंटे डेढ़ घंटे की हार्ड वर्क के बाद अपनी जो रफली इंजन है ड्रिल मशीन का वो अटैच हो चुका है और व्हील भी प्रॉपर काम कर रहा है। भाई साहब सच में यार उम्मीद से ज़्यादा ये काम कर रहा है, बट यार मेन मैटर ये है कि ये लोड के ऊपर भी काम कर पाएगा या फिर नहीं। तो अभी तो फिलहाल अपनी ड्रिल मशीन सॉरी बाइक का इंजन यार फिक्स नहीं है, इसको फटाफट से फिक्स करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। एक दो तीन और ये क्या हो गया मोटा, ये क्या हो गया? अरे यार क्या मिस्टेक हो गई? ये पूरा मन जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा ये वो वाइब्रेटर चालू हो गया इसका ना? ओ शिट, पाना लबार तेरे को। तो भाई लोगों थोड़ा वेट करो, फटाफट से इसको ठीक करते हैं यार। हाँ तो यार हमने इसका वो ट्रिगर जो सही कर दिया है वाइब्रेशन का और अब जो है यार वो यार एक ड्रिल मशीन बाइक को चला रही है। अब यार असली टेस्ट तो अब बाकी है मेरे हिसाब से यार। अगर एक जगह तो नहीं घूमेगी ना तो इसको थोड़ा धक्का मारने के बाद तो ये मौसम पकड़ लेगी। और इतने के अंदर यार ड्रिल मशीन इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है, मोटे मशीन तो नहीं लानी पड़ेगी अपने को। हाँ तो यार भाई लोगों, हमने अपनी इस ड्रिल मशीन के वायर अटैच कर दिया है काफ़ी लंबा, और इसे ज़्यादा लंबा तो हम नहीं चला सकते। ज़्यादा चलाने का एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये ख़राब भी हो सकती है। बाकी हमें ट्रायल लेनी है तो अपने इस गार्डन के अंदर इसको चला के देखते हैं, होपली चल जानी चाहिए। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फाइनल इसको ट्रायल पे टेस्ट करते हैं। भाई यार चल तो रही है, यकीनन चल रही है, एक बार वापस लाते हैं। थोड़ा सा क्या पाँव उलझ गया मेरा भाई। चली चली भाई 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 चल गई यार। अरे यार ज्यादा लोड आती बंद हो गई, एक ट्राई और करते वापस लाते इसको है ना। ठीक है बंद कर। तो भाई लोगों अब है सेकंड ट्राई और इस बार यार हमने लेंथ ज्यादा ली है, देखते हैं इस बार क्या सीन होता है।
आई लोगो ड्रिल मशीन की मदद से अपनी मोटरसाइकिल चल रही है। अरे भाई यार सच में चल गई यार। बाकी यार भाई लोगों इतना लोड तो नहीं उठा सकती है, अगर वो बात अलग होगी, अगर अपने पास ड्रिल मशीन बड़ी हो तो फिर हो सकता है चल जाए। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit. हाँ तो यार भाई लोगों फाइनली यार नॉर्मली तो अपनी बाइक चल गई है, अब इसके ऊपर हम ज़्यादा वजन भी नहीं डाल सकते और ज़्यादा जनों को बैठा भी नहीं सकते और यार इस कंडीशन के अंदर ज़्यादा चला नहीं सकते। तो यार फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हम करते हैं इस वीडियो को यही पेंड। अगर आपके माइंड में भी ऐसा कोई क्रेजी आइडिया हो तो कमेंट करके जरूर से बता देना। बाकी फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं ऐसी मोर क्रेजी वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।